में साबुदाने की बोरियों के नीचे छिपाकर लाल चंदन चेन्नई से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली। टीम ने इंदौर से पीछा किया और ट्रक को राव गलगाड़ डोर पर दर्दबोचा। ड्राइवर से बिल्टी मांगी तो उसने साबुदाने की बताई। टीम को सूचना पुख्ता थी, जिसके चलते जब साबुदाने की बोरियां हटाई तो नीचे करोड़ों के चंदन की लकड़ियां रखी हुई थी। हालांकि अभी वजन नहीं होने से मूल्य का सही आंकलन नहीं हो पाया है। संयुक्त वन मंडल अधिकारी राकेश कुमार डामोर ने बताया कि इंदौर के इंटेलिजेंट ब्यूरो द्वारा ट्रक क्रमांक 61 से 1096 रोका गया है। ट्रक में लाल चंदन बताया जा रहा है, वहीं तकरीबन इसकी लागत 10 से 15 करोड़ तक की हो सकती है। डामोर ने बताया कि ट्रक की मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, इसको पकड़ने के लिए सेंट्रल एक्साइज एवं इंटेलिजेंट ब्यूरो वन विभाग की टीम लगी हुई है। इस ट्रक में लाल चंदन के ऊपर आटे और साबुदाने की बोरियों से ढका हुआ था। वाहन की बिल्टी से साबुदाने और आटा चेन्नई से यूपी की ओर ले जा रहा था, लेकिन इनके पीछे लकड़ी छुपाकर रखी गई थी। डामोर ने बताया कि ट्रक में सवार सुरेश कृष्णमूर्ति पालन मुदन दोनों तमिलनाडु के रहने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा नहीं आने के कारण पूछताछ में दिखते आ रही कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो राजस्व सूचना निदेशालय जोनल कार्यालय इंदौर के द्वारा सूचना दी गई है कि किसी ट्रक में रेड सेंटर लकड़ी अवैध रूप से उसका परिवहन किया जा रहा है। और आज शाम को 4 बजे के आसपास हम लोग जब खलघाट जो टोल प्लाजा वहाँ पर पहुँचे, वहाँ फॉरेस्ट और जो हमारा राजस्व सूचना निदेशालय है उनके स्टाफ के द्वारा संयुक्त रूप से एक ट्रक जो था HR 61C1096 नंबर का, उसकी हमने जांच की। उसमें हमें ये लकड़ी मिली जिसकी जो है उसका मेज़रमेंट और उसकी कीमत का आकलन हम लोग जब तक पूरी सारी लकड़ी का हमको उसका क्वांटिटी नहीं मिल जाती उसके बाद ही उसकी कीमत कहाँ से कहाँ जा रहा था। देखिए जो इस गाड़ी के अंदर हमें जो पेपर मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेन्नई से यूपी मुरादाबाद की बिल्टी उसमें मिली है। सर अनुमानित कीमत कितनी होगी? अनुमानित कीमत जो है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में एक टन की कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए अकॉर्डिंग टू वो डिपेंड करता है उस लकड़ी की क्वालिटी कैसे। विभाग को सूचना कैसी मिली सर? देखिए विभाग को हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है वन मंडलाधिकारी उन्हें जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है यहाँ पे इंदौर में उनके अधिकारियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि ये वन विभाग से संबंधित कोई सामग्री या कुछ सामान है जिसकी स्मगलिंग की संभावना है और ये महाराष्ट्र जो रूट है आपका जो सेधवा वाला रूट वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी में इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। इसी के आधार इसमें 2 आरोपी पकड़ाए हैं जिनके नाम सुरेश कृष्णमूर्ति और पाल मुर्गन नाम है इन दोनों का जो तमिलनाडु स्टेट के हैं। जो इनसे हमने पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन वो क्योंकि तमिलियंस है और उनकी लैंग्वेज उनको हिंदी नहीं आती और ना इंग्लिश उनको आती। सर कहाँ पे रोका गया था, कितनी बजे रोका था? देखिए ये हमने इनको शाम को 4:41 पे जो धामनोद अपना खलघाट जो टोल प्लाजा है वहाँ पे हमने इनको रोका है। इंदौर से कौन कौन अधिकारी आए थे? इंदौर से देखिए राजस्व सूचना निदेशालय के जो स्टाफ थे उनके नाम हम लोग कुछ कारणों से नहीं बता सकते, बाकी हमारा धामनोद रेंज का स्टाफ सर। ये माल किसका है और इसके वाहन मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अभी वो सारी जो चीज़ें हैं क्योंकि अभी हम मेजरमेंट ही ले रहे हैं और उन लोगों के लिए स्पेशल हमने भी जो लैंग्वेज कन्वर्टर है उनको बुलवाया है जिसे मिल जानते हैं उनसे हम। अच्छा बिल्टी में क्या शो कर रहे हैं लोग? बिल्टी में इन्होंने साबुदाना बताया है और जो गाड़ी में साबुदाना और चाक पाउडर जिसको कहते हैं सफ़ेद पाउडर है चूने की तरह। सर ये कहाँ से ला रहे हैं बताया सर इन्होंने कहाँ से लेके आ रहे हैं ये सर ये सब चीज़ें? देखिए ये भी ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ से लाए हैं क्या है, बट वो जो इनकी जो पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग वो चेन्नई से ही माल आ रहा है। सर ये माल जैसे यहाँ से कहीं बाहर भेजा जाएगा इंदौर वगैरह क्या ऐसा कुछ प्रक्रिया रही? देखिए रेड सेंटर जो है बहुत ही महंगी लकड़ी की उसमें आता है श्रेणी में और क्योंकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है जी सर। और ये जनरली जो साउथ इंडिया है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है ये लकड़ी और इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसकी स्मगलिंग होती है। बेसिकली मेडिसिनल यूज़ में भी इसको उपयोग में लिया जाता है और महंगे जो वुडन आर्टिकल्स है उसके लिए भी इसको उपयोग में लाता है। सर लागत तो करोड़ों की है लेकिन आगे इसमें किस प्रकार से कार्रवाई होगी आप आगे? देखिए इसकी लागत जो भी रहेगी वो आपको हम बता देंगे। सर ये माना जाए कि बड़ी कार्रवाई है?
हाँ ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई है, और जो आप कह रहे हैं कि इसमें आगे की जो हमारी रहेगी रणनीति, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन पहले ये कर लें कि ये कहाँ से आ रहा है, उसके बाद पूरी जो चेन है इसकी जो एक, क्योंकि जो भी समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइज पूरा मार्केट मतलब इसका बिजनेस या स्मगलिंग बनी हुई है जिससे हम पूरा चेन हम इनसे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कहाँ से। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।